ओम शांति। चलिए कुछ देर बाबा को याद करते हैं। अपने शरीर को स्थिर रखें, कुछ घड़ियों के लिए अपने मन को आदेश दे दें कि वो बाकी सभी बातें छोड़ स्वचिंतन और परमात्म चिंतन में एकाग्र हो जाए। अनुभव करें शिव बाबा की उपस्थिति को, मैं भाग्यवान आत्मा शिव बाबा के सम्मुख बैठी हूँ, शिव बाबा मुझे देख रहे, मेरे नैन शिव बाबा पर स्थित हैं, और शिव बाबा ज्ञान का सागर मेरे सम्मुख बैठे हैं। वो त्रिकालदर्शी बाबा मुझे तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान सुना रहे हैं। मुझे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों साफ साफ नजर आ रहे हैं। कल की बात है, मैं आत्मा सतो प्रधान थी, बुद्धि में चित्र लाए अपनी सतो प्रधान अवस्था का, बिल्कुल शांत पवित्र प्रेम स्वरूप अवस्था में दाता बन मैं जीवन व्यतीत कर रही थी। आज मैं स्वयं सर्व गुणों शक्तियों के सागर से अपने आप को भरपूर बना रही हूँ, और कल फिर मुझे अपनी सतो प्रधान अवस्था में सत्युग में राज्य करना है। बुद्धि को ले जाएं कल की तरफ। कुछ समय की बात है, ये दुनिया फिर से स्वर्ग होने वाली है।
प्रकृति के पांचों तत्व बिल्कुल सतोप्रधान, और मैं चैतन्य देवी बन उस देवालय में राज करने वाली हूँ। ये कल, आज और कल की बात है। कुछ देर अपने आप को इसी अवस्था में स्थित कर दें। ओम शांति। हम बाबा के पास आए, बाबा ने हमें बहुत सारा वो ज्ञान दिया जो पहले हमें नहीं था। बाबा के पास आने के बाद हमें जितना अपना भूतकाल स्पष्ट है, उतना भविष्य भी स्पष्ट है। आपको स्पष्ट है भविष्य? क्लियर है कि कल कुछ भी हो, परसों कुछ भी हो, उसके बाद राजधानी आ रही है, सत्ययुग आ रहा है, और मैं अपनी संपूर्ण सुखी शांत अवस्था में स्थित हो उस दुनिया की मालिक बनने वाली हूँ। ये किस किस को बुद्धि में क्लियर है? क्लियर हो रहा है? हाँ, हाथ उठाना, है ना? देखो, एक छोटी सी बात है कि आपको क्या पता कि कल क्या मुसीबत आने वाली है, या जो हम बुरी बातों की कल्पना करते हैं, है ना? जैसे हर एक व्यक्ति आज एक दुखद भविष्य की कल्पना करता है निरंतर, राइट? हमारे जो फियर्स हैं उनका आधार क्या है कि हम एक दुखद भविष्य की कल्पना निरंतर करते हैं। अब उसका भी आपको प्रूफ तो नहीं है ना? प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। क्या आपको सचमुच पता है कि कल कुछ दुखद होने वाला है, या कल आप कोई लॉस अनुभव करने वाले हैं? ऐसा तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम हमेशा अपनी बुद्धि से उस लॉस की क्रिएशन करते हैं, और उस लॉस को विजुअलाइज कर हम पेन या फियर का अनुभव भी करते हैं। करते हैं, राइट? हर कोई करते हैं ये चीज़, है ना? अब बाबा हमें कहते हैं, आपको पता है रिसर्च कहती है कि जिन भी बातों की हम कल्पना करते हैं और डरते हैं, उनमें से 97% चीज़ें कभी नहीं होती। हमारे जितने भी फियर्स हैं, वरीज हैं, उसमें से 97% पॉसिबिलिटीज़ जिनको आप बुद्धि से रचते हैं और जिनके कारण आप दुख या भय की का अनुभव करते हैं, वो बातें कभी भी नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी हम वो रचना रचते हैं और उन भावनाओं को हम निरंतर एक्सपीरियंस करते हैं, और वो जो भावनाएं हम इस समय रचते हैं वो हमारे भविष्य और वर्तमान का आधार बनती हैं, करेक्ट? तो बाबा हमें कहते हैं, मैं तुम्हें अब सत्य ज्ञान दे रहा हूँ कि एक्चुअली कल क्या होने वाला है। एक्चुअली कल ये सारी पुरानी सामग्री खत्म हो, तुम जो आत्मा हो अविनाशी, वो एक सुंदर स्वर्णिम संसार में जाने वाली हो। इस दुनिया में बहुत सुंदर परिवर्तन आने वाला है, और बाबा हमें ये जो ज्ञान देते, इस ज्ञान को भी यदि हम रोज़ चिंतन मनन करें और रोज़ इसको अपनी बुद्धि में मनन कर 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 स्थित करें, जैसे कल हमें बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें जो भी बताता हूँ रोज़ तुम उस पर मनन चिंतन करो,
तो जब हम नित्य रोज प्रतिदिन हम उस पर मनन चिंतन करेंगे तो फिर हमारी बुद्धि में ये फिक्स हो जाएगा कि कल विनाश की सीन होगी लेकिन परसों फिर स्थापना की भी सीन होगी। तो जब आप परसों की बात को जानते हैं तो आज और कल की बात को आप साक्षी होकर देख सकते हैं, है ना। जैसे आप सोचो कि कोई प्रैंक खेल रहा होता है, अप्रैल फूल का टाइम होगा और कोई प्रैंक खेल रहा है किसी के साथ, तो आपको पता है कि ये प्रैंक है और इसके बाद जो है इसको पता लगने वाला है कि ये बात ऐसे नहीं थी। तो आप जब उस पूरी बात को देख रहे होंगे तो वो तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो अभी क्या चल रहा है उससे विचलित हो रहा होगा, लेकिन आप क्या देख पा रहे होंगे कि इसको पता चलने वाला है अभी कि ये जो भी ये रच रहे थे ये वास्तव में प्रैंक था, और आप उस पूरे जो उसका डरना परेशान होना वो सब भी आप बहुत साक्षी होकर देख सकेंगे। करेक्ट? क्यों? क्योंकि आपको उसके बाद के सीन का पता है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान दिया है। हर कोई पूछता है ना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा। बाबा कहते अब पता नहीं नहीं है, अब तुम्हें पता है कि कल क्या होने वाला है। तो अगर तुम्हें ये पता है कि कल क्या होने वाला है तो आज चाहे कैसी भी सीन है तुम उसको सुख की सीन के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि दुख को देखते हुए भी तुम साक्षी होकर ये देख सकते हो कि कल ये चेंज होने वाली है। जैसे बाबा हमेशा मुरली में एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब किसी का नया मकान बनने वाला होता है ना, तो पुराने मकान में जितना भी डिस्कम्फर्ट होता है तो वो क्या करेंगे, जैसे ही कोई डिस्कम्फर्ट होगा तो अपने को याद दिलाएंगे, अरे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना है, अभी तो ये मकान बदलने वाला है, अभी तो मकान बदलने वाला है ना। और कोई दूसरा भी कहेगा तो कहेंगे अरे थोड़े दिन एडजस्ट कर लो, क्या जाता है, अभी तो हम शिफ्ट होने ही वाले हैं ना, देखो तुम उसकी पिक्चर देखो कितना सुंदर उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जैसे ही हम ये याद दिलाते हैं अपने आप को कि नया मकान बनकर तैयार हो रहा है, हम उसमें शिफ्ट होने वाले हैं, तो फिर हमारा आज का जो अनुभव है वो बदलता जाता है। ठीक है? तो बाबा हमें कहते हैं, मैं बाबा को, आपको पता है ना, बाबा को त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी कहते हैं, है ना। और महाभारत में जब दिखाते हैं कि श्री कृष्ण की बात, तो श्री कृष्ण के लिए एक्चुअली जो महाभारत या गीता लिखी गई उसमें श्री कृष्ण को जो भी रोल दिए गए वो वास्तव में किसके रोल और चरित्र हैं, शिव बाबा के, जो इस समय पर वो प्ले कर रहे हैं, राइट। और ये वो कुरुक्षेत्र है और हम वो अर्जुन हैं जो सुन रहे हैं, राइट। तो आपने देखा है कि गीता में जब श्री कृष्ण की जो पहले की जीवन की बात आती है तो कहते हैं वो जब मुंह खोले तो उनके मुख के अंदर पूरी सृष्टि का दर्शन हुआ। तो वास्तव में ऐसा कभी हो सकता है कि कोई मुख खोले तो उसके अंदर दुनिया दिखाई दे? ये एक सिंबल है, सिंबॉलिक चीज़ है। और इसका भावार्थ क्या है कि जब शिव बाबा आकर अपना मुख खोलते हैं, जब मुंह से बोलते हैं, भगवानुवाच देते हैं, तो हमें तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान मिल जाता है कि वास्तव में मैं यहाँ हूँ, पर मैं फरिश्ता स्वरूप धरकर सूक्ष्म वतन में भी हो सकती हूँ, मैं ज्योतिबिंदु बन परमधाम में भी अभी स्थित हो सकती हूँ। ये तीनों लोकों का ज्ञान है। और तीनों कालों का ज्ञान क्या है कि ये मेरा हियर एंड नाउ का स्वरूप है, अभी वर्तमान ये मेरा शरीर है, ये मेरा स्वरूप है, लेकिन कल का मेरा स्वरूप, बीते हुए कल का और आने वाले कल का, क्योंकि साइकिल है ना, तो आगे जाओ या पीछे जाओ आप एक ही जगह पहुंचते हो। तो उस साइकिल में जो मेरा पास्ट है और फ्यूचर है वो क्या है, मेरा परफेक्ट स्वरूप है।
तो जितना जितना आप बाबा जो ये मुख खोल कर हमें तीनों लोकों और तीनों कालों का दर्शन करा रहे हैं, जितना आप अपनी बुद्धि को इस सत्य में स्थित करते जाएंगे तो आप इस वर्तमान को साक्षी होकर देख सकेंगे, है ना। जैसे इस वर्तमान समय पर जो भी सीन्स चल रही हैं वो भले कितने भी दुख की हैं, लेकिन आप उसमें रिएक्ट नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको आने वाला भविष्य दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये तो ज्ञान की बात है, लेकिन दूसरी भी एक बात है। जैसे आज तक आपकी कोई भी परिस्थिति ऐसी है जो कभी बदली नहीं, हाँ, बदलाव तो सृष्टि का नियम है ना, तो हर सेकंड परिवर्तन होता ही है, ये सृष्टि का नियम है। तो बाबा कहते अगर तुम इस सृष्टि के नियम को भी याद रखो कि जो इस सेकंड है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, तो इस समय जो भी दुख है उसको तुम साक्षी होकर देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो परिवर्तनशील संसार का नियम यही है कि जो अभी है वो नेक्स्ट सेकेंड नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा, राइट। तो बाबा हमें आज की मुरली में यही बात कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप में से कौन कौन फुल मुरली ऑनलाइन सुनते हैं? ये क्लास तो हम करते हैं, पर अच्छा, फुल मुरली ऑनलाइन सुनते हैं वो ये हैं। जो नहीं सुनते हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फुल मुरली ऑनलाइन भी सुने। हम बिट्स एंड पीसेस में रोज़ थोड़ा थोड़ा लेंगे डिटेल में, लेकिन आप फुल मुरली भी सुने, क्योंकि आप बाबा के अधिकारी बच्चे हैं और आपको अधिकार है बाबा आज पूरी श्रीमत क्या दे रहे हैं उसको जानने का, है ना। तो वो अधिकार भी आप अवश्य प्राप्त करें। समय की सीमा के हिसाब से मैं थोड़ी ही बातें डिटेल में आपको समझाऊंगी, लेकिन फुल मुरली मैं पूरी रिकॉर्ड करके डालती हूँ ऑनलाइन। वो लिंक भी आपके पास है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, तो उसमें भी डिटेल्स रहती हैं और वो भी आप पूरी सुने, रोज़ कभी मिस ना करें, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रश्न है वो ले लेती हूँ। एक किसी ने लिखा है, वो कल कब है दीदी? जब आप बन जाएंगे, है ना। तो जैसे ही आप तैयार हो जाएंगे तो वो सत्ययुग आ जाएगा। अच्छा दीदी, मनन चिंतन कैसे करें, है ना। तो जैसे मनन चिंतन कैसे करते हैं, कोई भी पॉइंट लिए और उस पॉइंट को रिवाइज करना और उस पे सोचना। जैसे मैं आत्मा हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये शरीर कैसा है, मैं कैसी हूँ, मेरे गुण कैसे हैं, है ना, ये है मनन चिंतन। आपको मैं कुछ शब्द बता देती हूँ। पहले मनन आता है, फिर चिंतन आता है, फिर मंथन आता है, फिर सिमरण आता है, फिर स्मृति आती है। ये पांच शब्द हैं, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण और स्मृति। आप जितना एक पॉइंट को लेकर उसके ऊपर रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे तो धीरे 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 आप स्मृति तक पहुंच जाएंगे। माना वो पॉइंट आपके अवेयरनेस का हिस्सा बन जाएगी। इस पर हम एक सेपरेट क्लास कभी कराएंगे, पर ये शब्द आज आप जान लीजिए। अच्छा, बट वी लिव इन द मोमेंट एंड इवन व्हेन वी हैव एक्सेस टू बीइंग विटनेस और साक्षी, वी कैन नॉट आइसोलेट फ्रॉम द मोमेंट। बट डू यू एक्चुअली लिव इन द मोमेंट? क्योंकि मोमेंट में तो कुछ नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज इन द फ्यूचर। जब कोई दुखद दृश्य भी हो रहा होता है, तो जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे दूध गिर गया, ठीक है, आप फ्रिज खोले और दूध का पतीला गिर गया। अब जब वो गिर गया तो उस मोमेंट में तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ दूध गिरा, लेकिन आप क्या करते हैं, उस मोमेंट को एनालाइज करते हैं। और एनालाइज कैसे करते हैं, ओ दूध गिर गया, सारा दूध गिर गया,
दो पैकेट्स था, दोनों पैकेट गिर गया, अभी तो दूध भी नहीं है और इस कोरोना के टाइम पे कौन जाएगा दोबारा दूध लेने, और अभी चाय कैसे पिएंगे, ये कैसे होगा। तो जब आप ये एनालिसिस में जाते हैं, जब आप मनन करते हैं, तभी आपको दुख का अनुभव होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई चीज़ पर अगर आप मनन ना करें तो आपको उसका जो उसकी कोई फीलिंग आएगी। तो ऐसे ही जब हम मोमेंट में कहते हैं तो वी डोंट एक्चुअली लिव इन द मोमेंट, हम उसके एनालिसिस में जाते हैं और प्लस उसके फ्यूचर के इम्प्लिकेशंस में जाते हैं, तब हमें दुख होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जैसे दूध गिरा तो आपने कहा ड्रामा 5000 वर्ष में हर बार गिरता है, इट इज़ ओके, है ना। तो अभी क्या करो, साफ करो, साक्षी होकर साफ कर दो उसको, कोई एनालिसिस नहीं करो, उसका कोई मीनिंग नहीं ढूंढो और आप उसे साफ कर दो। आपको पता चलेगा एक घंटे बाद बेल बजेगी और आपको कोई वो दूध ला कर दे देगा। ये मेरा बहुत बार का अनुभव है कि जब कोई चीज़ हो जाती है और हम फुल स्टॉप कर बाबा का शुक्रिया कर साक्षी होकर और उस इवेंट को फेस करते हैं, तो उसके बाद उसका जो परिणाम है वो बहुत सुखद बनता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, तो वो आम की वैरायटी का मुझे संकल्प आया, तो फिर मैंने अपने संकल्प को बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया कि बाबा के यज्ञ में बैठे हैं हम, बाबा के भंडारे से खाते हैं, तो मुझे कोई डिज़ायर नहीं है, जो भी मिलता है वो आम से भी बहुत अच्छा है। तो कुछ देर के बाद मैंने देखा, दो घंटे के बाद कोई भाई आए और वो वही आम की वैरायटी लाए और बोला, ये दीदी भोग लगा देना, ये हम बाबा के लिए लाए हैं। है ना। तो ये चीज़ें कैसे होती है, जितना आप नेगेटिव संकल्प क्रिएट करते हैं, एक विपरीत भास के भविष्य की कल्पना करते हैं, उतना वो सिचुएशन खराब होती जाती है। और अगर अभी कुछ हो भी गया, आप ड्रामा कहकर बाबा को सरेंडर कर बिल्कुल एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, तो वो सीन भी बदल जाती है और उस सीन में जो नुकसान हो सकता था वो भी नहीं होता, है ना। तो आज हम बाबा की मुरली थोड़ी सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम, है ना। तो पहले तुम शांति धाम जाओगे, शांति धाम कौन सा धाम है, परम धाम, ब्रह्मलोक, है ना। और वहाँ पर बॉडी है हमारे पास, वहाँ तो बॉडी नहीं है, तो वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी को भूलना पड़ेगा। आप जब आईने के सामने खड़े होते हो ना, तो अपने को याद दिलाओ कि ये जो बॉडी है ये नहीं है, सिर्फ एक सितारा है, और अंदर देखो आईने में सिर्फ एक सितारा। बॉडी को देखते हुए भी नहीं देखो, जब बैठे हो तो बॉडी को भूलकर सिर्फ सितारे को देखो। तो बाबा कहते हैं कि तुम शांति धाम जाने वाले हो, तो क्या याद दिलाओ अपने आप को कि मेरा शरीर नहीं है। और दूसरा, शांति धाम के बाद तुम कहाँ जाने वाले हो, सुख धाम, सत्युग में, वहाँ कोई ईगो नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, तो अपने आप को उस सुंदर सुखी अवस्था में कई बार स्थित करो। तो बाबा कहते, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। वाया शांति धाम मतलब पहले हम सब घर जाएंगे शांति धाम, फिर नीचे आएंगे सुख धाम में। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए, है ना। तो एम ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जैसे आप देखो कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, वो यहाँ से त्रिची जा रहा है या त्रिवेंद्रम जा रहा है, यानी साउथ कहीं जा रहा है दिल्ली से, तो वो क्या करेगा, वो उस ट्रेन में सबसे मिलेगा जुलेगा, बातचीत भी करेगा, कभी कभी उनके साथ हंसी टिटोले भी करेगा, साइड की सीन भी देखेगा, खिड़की के बाहर भी झांकेगा, लेकिन उसका टारगेट क्या है हमेशा कि मुझे वहाँ जाना है। और जैसे ही उसका स्टेशन आएगा
तो स्टेशन आने से पहले वो पैकिंग शुरू कर देगा, और जैसे ही स्टेशन आएगा, जिनके साथ इतना हंस बोल के बात कर रहा था वो अगर उसकी तरफ नहीं भी देख रहे तो ही वॉन्ट माइंड, वो सीधा उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टेशन आ गया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि यात्रा में तुम्हें लक्ष्य याद रहना है, भले ही लिमिटेड गोल्स जो हैं, हाँ धन भी कमाना है, परिवार भी संभालना है, सब कुछ करना है, लेकिन लक्ष्य क्या है? मुझे शांति धाम जाना है, सुख धाम जाना है, और शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मुझे शांत पवित्र और सुख स्वरूप अवस्था में आना है। इसीलिए कोई भी बात होती रहे, साइड सीन में कुछ भी चलता रहे, मुझे अपनी शांति पवित्रता सुख से दूर नहीं जाना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है उसके हिसाब से मुझे लक्षण रखने हैं। बाकी हाँ, टाइम पास करने के लिए सब कुछ करना है, जैसे टाइम पास करने के लिए हम भी ये सेवा करते हैं ना सेवा क्या है? टाइम पास है ना, किसी को अच्छी बात सुनाना, किसी को सुख देना, तो उसमें सुकर्मों की कमाई भी होती है। बाकी लाइफ इज़ अ टाइम पास, बच्चे संभालना, पैसा कमाना, सब कुछ टाइम पास है। बाकी आपका लक्ष्य क्या है? हमें सुखी और शांत बनकर सुख धाम शांति धाम जाना है। सुख धाम और शांति धाम, सुख धाम माना स्वर्ग, शांति धाम माना परम धाम घर। दोनों में दो क्वालिटीज आत्मा के अंदर होती है, शांति और पवित्रता। तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए, ये दो क्वालिटीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और जब आपको लक्ष्य याद रहेगा तो ये दो क्वालिटी आपको हमेशा याद रहेंगी। अब सभी मेरे साथ रिपीट करें, मेरा लक्ष्य शांति धाम और सुख धाम जाना है रिपीट करें, मेरा लक्ष्य शांति धाम और सुख धाम जाना है ना। आप देखो, जैसे दुनिया में कहते हैं ना पर्पस ऑफ लाइफ, तो पर्पस क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है? कि हमें पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाना है। बाकी जो छोटे मोटे जो रोज़ हम करते हैं वो गोल्स हैं, है ना। तो गोल्स रोज़ रहेगा, टारगेट रोज़ रहेगा। अच्छा, मुझे इतना खाना बनाना है, या ये सफाई करनी है, या ये नौकरी पे जाना है, ये लिमिटेड गोल्स हैं। वो लिमिटेड गोल्स रोज़ रहेंगे, लेकिन उसके साथ लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है, पर्पस ऑफ लाइफ को कभी नहीं भूलना है। और पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कि मुझे शांत पवित्र रहे, शांति धाम पवित्र लोक जाने के लायक बनना है। गॉट इट? ठीक है, प्रश्न है आज का। तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? तो बाबा कहते इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल कागविष्ठा समान है, सुख है तो टेम्पररी है, बाकी टोटल दुख की सीन है अभी ड्रामा में। बाबा कहते तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो। रोशनी में क्या आए हैं? कि अभी हमें कल भी दिखाई दे रहा है आने वाला, इसीलिए बाबा कहते तुम आज की बेहद दुख की सीन को भी साक्षी होकर देख पा रहे हो। ठीक है, समझ आया? साक्षी कैसे बनेंगे? जब हम बाबा के ज्ञान को, तीनों कालों के ज्ञान को बुद्धि में स्पष्ट रखेंगे तो इस समय हमारे अंदर साक्षीपन आएगा। तो बाबा कहते तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक न मिले दूसरे से, एक सेकंड दूसरे सेकंड जैसा नहीं होता। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है और नई सीन चलती रहती है, इसीलिए जब हम कोई भी सीन देखते हैं तो हमें क्या याद आता है? कि ये भी बदलने वाली है, तो जो बदलने वाली है उसमें क्या दुख का अनुभव करना है, है ना। अब आप एक छोटी सी बात कभी सोचते हो? जैसे हम कहते हैं कोरोना में इतने लोग मर गए, हाँ, लेकिन गीता में क्या लिखा है आपको पता है? जो आत्मा शरीर लेती है उसका शरीर छोड़ना निश्चित है, राइट? लेकिन दूसरी लाइन है, जो शरीर छोड़ता है उसका शरीर लेना भी निश्चित है तो फिर इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? अगर आप ये याद रखो कि इसने शरीर छोड़ा,
पर जो लिया है शरीर तो छोड़ेंगे निश्चित है, और जिसने शरीर छोड़ा है उसने लिया है वो भी निश्चित है। तो फिर वो मरे नहीं है ना, उनका सिर्फ शरीर परिवर्तन हुआ है। तो कभी आपको दुख होगा, आप इतनी डेथ की सीन भी साक्षी होकर देख लेंगे। तो एक्चुअली जो दुख होता है वो सीन के कारण नहीं होता, इंटरप्रिटेशन के कारण होता है। और जब अब हमें ज्ञान मिल गया है ड्रामा का, तो हमें ये समझ आ गया है कि एक सीन ना मिले दूसरे से, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, और आत्मा तो अविनाशी है, तो दुख की चिंता की कोई बात ही नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। वेरी नाइस, ठीक है। अभी आज का स्लोगन पढ़ लेते हैं। तो आज की मुरली तो समझ आ गई, साक्षी कैसे बनना है और हमारा लक्ष्य क्या है वो याद रखना है, ठीक है। अच्छा, स्लोगन है आज का, परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। देखो, बाबा हमें श्रीमत देते हैं, ठीक है, हम वो कर्म भी करते हैं, लेकिन फिर कर्म का बीज बो देते हैं, लेकिन फिर उसे शुभ संकल्पों का पानी देना भूल जाते हैं। कैसे? जैसे बाबा कहता है अमृत वेला उठो, तो हम संकल्प ले लेंगे कि अच्छा मुझे कल 4 बजे उठना है। उसके बाद क्या करेंगे? कहेंगे लेकिन ना आदत नहीं है ना, फिर पूरे दिन ऐसा ना हो नींद आती रहे, ऐसे थकावट थकावट सी लगती रहेगी, और फिर 4 से 4:45 तो योग कर लेंगे, वो भी पता नहीं लगेगा या नहीं इतनी देर, और उसके बाद क्या करेंगे, सब तो सोए होंगे, फिर क्या सो जाऊँ या उठी रहूँ। तो ये वाले जो संकल्प ले रहे हैं, तो एक संकल्प तो परमात्मा श्रीमत पर लिया, लेकिन दूसरा जो उसको जल दिया वो सारा उल्टा दिया है ना, इसीलिए वो फलीभूत नहीं होता। क्योंकि एक संकल्प तो, एक कर्म तो किया श्रीमत पर, लेकिन दूसरे वाले जो जल दिया वो आशक्ति भरने वाले नहीं, वो जड़ें काटने वाला दिया। ऐसे ही आप देखो, जैसे बाबा कहता है हर एक एक आत्मा है ना, तो किसी को देखेंगे उसके लिए अच्छी भावना नहीं होगी, तो कहेंगे अच्छा ठीक है भगवान कहता है ये भी आत्मा है, फिर कहेंगे लेकिन आत्मा भी तो पाप आत्मा भी होती है, देखो ये आत्मा कैसी है, संस्कार तो इसके बहुत ही खराब है ना। बाबा कहता तो है शांत स्वरूप आत्मा है, चलो 2 मिनट कह भी देते शांत स्वरूप है शांत स्वरूप है, लेकिन ये शांत रहते नहीं है कभी भी, पता नहीं इनको तो कभी ज्ञान मिलेगा कभी ये शांत होंगे। तो आप देखो परमात्मा श्रीमत पर भी चल रहे हैं, लेकिन शुभ संकल्पों के जल की जगह दूसरा वाला जल डालते रहते हैं, इसीलिए वो जो बीज है वो शक्तिशाली नहीं बनता है ना। तो बाबा कहते कि जब तुम श्रीमत पर, जैसे आज बाबा ने कहा आने वाली सीन कल्याण की है, तो फिर कल्याण की सीन जब कहा तो उसके बाद आगे के संकल्प भी जो है वो शुभ रखने हैं कि कल्याण ही होगा। एक संकल्प लिया, एक कर्म किया, लेकिन उसके आगे उसको पानी भी शक्ति भरने वाला देना है, ठीक है। ओम शांति। आज जो शक्ति हम समझेंगे वो है परखने की शक्ति। आप 5वीं शक्ति देखिए चित्र में, परखने की शक्ति, उसमें एक जौहरी जो है वो हीरे और पत्थर को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। इसमें कहानी आती है, वो कहानी पहले मैं आपको सुना देती हूँ। उस कहानी में ऐसा है कि एक बार एक राजा एक पूरा बैग फुल ऑफ स्टोन्स लेकर आते हैं, पत्थरों से भरा, और उसमें कुछ हीरे होते हैं और कुछ पत्थर होते हैं,
और फिर वो अपने सारे जो सभा के सामने वो थैला खाली करते हैं और बोलते हैं कि आप में से जो भी मुझे ये बता देंगे कि इसमें से कौन से हीरे हैं, कौन से पत्थर हैं, उनको मैं मान जाऊंगा कि आप में बहुत अच्छी परख शक्ति है। तो ऐसा है कि जो हीरे और पत्थर का जो रेप्लिकेशन था वो बहुत आइडेंटिकल था, बिल्कुल पत्थर भी हीरे के जैसे ही लग रहे थे। तो सबने कोशिश की लेकिन फिर सभी फेल हो गए। तो फिर एक अंधा व्यक्ति आता है उस सभा में। तो जब वो आता है तो वो कहता है, मुझे ये बैग दे दीजिए, मैं आधे घंटे में लाऊंगा और मैं अलग-अलग कर दूंगा। तो फिर राजा कहता है, अरे ये क्या बात हुई, सारे आँख वाले तो कर नहीं पाए, अभी तुम कैसे करोगे? तो कहता है, आप निश्चय तो रखिए, आप मुझे दीजिए, मैं आधे घंटे में नहीं कर पाया तो ठीक है। तो राजा उसको दे देते हैं। तो वो आधे घंटे में वापस आता है और बिल्कुल उसने दोनों को अलग-अलग कर दिया होता है। तो राजा भी बहुत शॉक्ड होता है कि ऐसे कैसे इसने कर दिया। तो उसको पूछते हैं कि जो देखने वाले नहीं कर पाए वो तुमने कैसे किया बिना देखे? तो वो कहता है, वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो देख पा रहे थे, और ये देखने में ही तो सेम है ना इनके गुण सेम नहीं है, ये देखने में सेम है, इसीलिए जो देख रहे थे वो भ्रमित हो गए, और मैं तो देख ही नहीं सकता ना, तो मैंने क्या किया, इन हीरे और पत्थरों दोनों को धूप में बिछा दिया सूर्य के नीचे, और फिर जो गर्म हो गए वो पत्थर थे और जो गर्म नहीं हुए वो हीरे थे, क्योंकि हीरे की क्वालिटी है वो गर्म नहीं होता, तो मैंने छू छू के सबको देख लिया और इस तरह से अलग अलग कर दिया। तो ऐसे ही आप देखो, जीवन में हम जो देखते हैं, सुनते हैं, कई बार उससे हम भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी की वेशभूषा, किसी कौन कैसा दिखता है या बात करता है उस पर ना जाएं, तो हम बहुत अच्छे से उनके कर्मों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और हमें पता लग जाएगा कि वो किस तरह की आत्मा है ना। और सबसे बड़ी बात है, हम अगर अपने को भी साक्षी होकर देखें, देहाभिमान का पर्दा हटाकर, तो हमें अपने बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे आप देखो, हर आत्मा यूनिक है और हर आत्मा का एक स्थान है इस सृष्टि चक्र में, और हर आत्मा का एक रोल है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, इसीलिए हम वो परख नहीं पाते कि हम क्या करने के लिए बने हैं, है ना। क्योंकि अगर आप रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप दूसरे जो कर रहे हैं वही करना चाहते हैं, तो आपको ये परख शक्ति नहीं होगी कि वास्तव में आपकी कॉलिंग क्या है या आपके दिल से क्या आवाज़ आ रही है। कई बार हम दूसरों की आवाज़ें सुनते सुनते अपने दिल की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब मैं ज्ञान मार्ग में आई तो सभी लोगों को ऐसा लगता था कि इनको ज्ञान की क्या ज़रूरत है, ये तो वैसे भी बहुत खुश रहती थी, लेकिन मुझे ये समझ में आने लगा था कि ये मेरा मार्ग है, मुझे यहाँ सबसे कंफर्टेबल लगता है, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। लेकिन दूसरों के हिसाब से ऐसा नहीं था, मुझे कोई कहते थे आप मेहनत करो तो आप तो आईएएस भी बन सकते हो, आप तो ये भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता था कि हाँ मेहनत करे तो बन भी सकते हैं, लेकिन वो मैं बनना नहीं चाहती, मैं ये बनना चाहती हूँ। लेकिन जब हम दूसरों की बातें, दूसरों के कमेंट्स सुनते रहते हैं, तो कभी-कभी हम खुद को पहचान नहीं पाते। जैसे आप एक छोटी सी बात देखो, कोई कम बोलता है ना, किसी की कम बोलने की आदत होती है, तो सामने वाला कहेगा ये गूंगा है क्या, ये मूर्ख है क्या, ये बोलता क्यों नहीं है, लेकिन वास्तव में हो सकता है कि वो बहुत अच्छा विचारक है और वो अंतर्मुखी रहता है। इंट्रोवर्ट पीपल आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन अगर वो दूसरे की बात सुनते सुनते उनकी बातों को अपनी आइडेंटिटी बना दे, तो वो कभी ये नहीं जान पाएगा कि मेरे अंदर कितनी अच्छी विचार शक्ति है।
तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जब तुम देह अभिमान में रहते हो, जब तुम दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के कमेंट्स या दुनिया के रीत रिवाज के हिसाब से अपने को देखने की कोशिश करते हो, तो कभी कभी तुम अपनी विशेषता को नहीं देख पाते और कभी कभी तुम अपनी कमी को भी अपनी विशेषता समझने लगते हो। जैसे हो सकता है कि किसी के अंदर कटु वचन बोलने का संस्कार है ना, वैसे तो वो बहुत दुख देने वाला संस्कार है, लेकिन जब भी वो किसी को कटु वचन बोलते हैं तो सामने वाला उनको कहता है, कितना अच्छा जवाब दिया ना तुमने, तो ऐसा जवाब दिया वो कभी भी तुम्हारे साथ अगली बार उलझेंगे नहीं। तो आपको लगता है कि ये शायद मेरी बहुत बड़ी विशेषता है, लेकिन ऐसा करते करते आपका अपना संस्कार खराब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब हम श्रीमत पर चलते हैं तब हमें वास्तविकता में अच्छे बुरे, जो अच्छा संस्कार है बुरा संस्कार है, उसकी परख होने लगती है और हमें अपनी वैल्यू की भी परख होने लगती है कि अगर मैं शांत हूँ तो मैं अच्छी हूँ, अगर मैं पवित्र हूँ तो मैं अच्छी हूँ, अगर मेरा इस तरफ रुझान है तो मेरे अंदर अच्छाई है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक माता आती है ज्ञान में तो मुझे कहती है कि दीदी मैं जब मेरी हम लोग चार बहनें हैं तो मेरे को शुरू से ऐसा होता था कि मैं सत्संग में जाऊँ, मैं थोड़ी आध्यात्मिक बातें सुनूँ, तो मेरे पिताजी जब भी मुझे देखते थे कि ये इस तरफ जाती है तो मुझे फट से कहते थे, इसका तो ना दिमाग ख़राब हो गया है, ये तो पागल हो गई है, ये तो पता नहीं क्या ही करके छोड़ेगी, और ऐसे कर करके ये तो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है मुझे कहते थे। और जैसे चार बहनों में मुझे हमेशा ये सुनने को आया कि मैं एबनॉर्मल हूँ, और उस कारण से मैं भी ऐसा सोचने लगी शायद मैं नॉर्मल नहीं हूँ या मेरे में कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन जब मैं बाबा के पास आई तो मुझे पता चला, नहीं मुझे तो पवित्रता अच्छी लगती है, मुझे तो शांति अच्छी लगती है और ये तो देवताई गुण है। और मैं तो खामखा पूरी ज़िंदगी ये सोच रही थी कि मैं एबनॉर्मल हूँ है ना। तो दुनिया के हिसाब से जब हम चलते हैं तो हम कभी कभी अपने अवगुणों को गुण समझते हैं, कभी कभी गुणों को अवगुण समझते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में ये परखना बहुत मुश्किल हो गया है कि वास्तव में गुण क्या है और अवगुण क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब तुम्हें ज्ञान मिलता है तो तुम गुण अवगुण की परख कर पाते हो, तुम अपने अंदर की परख कर पाते हो कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या तुम्हारी कॉलिंग है, तुम ये भी परख कर पाते हो कि सामने वाला जो है उसका इंटेंशन क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा के अंदर विकार है ना। अब आप सोचो जिसके अंदर ईगो है, जिसके अंदर ईगो है उसकी भाषा कैसी होती है, उसकी भाषा ये होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बिल्कुल परवाह मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपका भी ध्यान रख सकता हूँ अपना भी ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन वास्तव में वो अगर बहुत अनकंफर्टेबल भी है तो भी जो नॉर्मल व्यक्ति है सुनने वाला वो उसे पहचान नहीं सकता। लेकिन बाबा हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन आत्मा कैसे बात करती है, कैसा व्यवहार करती है, वो सारा सिखाते हैं। और जब बाबा हमें वो सिखाते तो हमें पता चलता कि जो क्रोधी है उसको वास्तव में रहम की आवश्यकता है ना, जो अहंकारी है उसको वास्तव में ये कहने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरे पास एक भाई आता था तो मुझे पता चलता था कि वो बहुत अहंकार में रहता है, इसीलिए वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसको भी ईश्वरीय पालना की ज़रूरत है ना। तो जैसे पूरा चैप्टर सुनेगा और अंत में कहेगा, ये सब तो मुझे ऑलरेडी पता है, कुछ नया तो आप बताते नहीं हो। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको सब कुछ पता भी है तो भी रिविजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है भाई, हमें सिर्फ वो लोग नहीं चाहिए जिनको कुछ पता नहीं है, हमें आपके जैसे भाई भी चाहिए जिनको सब कुछ पता है, क्योंकि जिनको सब कुछ पता है वही तो आगे किसी को बता सकते हैं, वही तो सेवाधारी बन सकते हैं। तो वो मुझे कहने लगा, हाँ अगर आप ये चाहते हैं कि मैं दूसरों की सेवा के लिए आऊँ तो मैं आ सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने उसको बुलाया।
तो जो अहंकारी होते हैं उनको आप ईगो अटैक करेंगे कि आपको क्या लगता है, आपको सब कुछ पता है, तो वो नहीं सुनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम ज्ञानी हो जाते हो तो तुम्हें परख शक्ति बढ़ जाती है कि इस आत्मा के अंदर ये विकार है तो उसके साथ कैसे चलना है, उसकी भी युक्ति तुम्हें आ जाती है। क्रोधी के साथ कैसे चलना है, कामी के साथ कैसे चलना है, लोभी के साथ कैसे चलना है ना। तो जो लोभी है उसको आप बार बार कहेंगे आप तो लोभी हो, आपसे तो कुछ सफल नहीं होता, तो वो थोड़ी सफल करेगा। आप उसे कहेंगे कि भाई आप तो बहुत दाता है, या आप तो हमेशा मदद करते हैं, या सहयोगी रहते हैं, तो उसके अंदर की जो दातापन की वृत्ति है वो जागेगी। तो बाबा कहते आत्माओं के व्यवहार से परे देखकर परख पाना कि वास्तव में जड़ में बीमारी क्या है, वो परख शक्ति तुम्हारे अंदर आती है। जब तुम ज्ञान में आते हो तुम स्वयं को भी परख पाते हो, राइट रॉन्ग अच्छे बुरे को सही गलत को भी परख पाते हो, और आत्माओं की ज़रूरत को भी परख पाते हो। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। मैं एक बार विमेन पर एक प्रोग्राम करा रही थी, तो एक बहन आई, वो बहन किसी कंपनी में चीफ सीईओ थी, तो बड़ी पोजीशन में भी थी, लेकिन उसने ना पूरा सेशन मुझे करने नहीं दिया। मैं जैसे ही विमेन पर कोई भी बात करूं, वो बिल्कुल कहे आप लोग तो विक्टिम ब्लेमिंग करते हो, आप लोग तो ये कहते हो कि किसी के ऊपर अत्याचार हुआ तो वो बदले, आप तो ऐसे हो ऐसे हो करके उसने मुझे पूरा सेशन डिसरप्ट कर दिया। तो फिर मुझे 15-20 मिनट में ये एहसास हो गया कि ये सेशन हो नहीं सकता है, तो मैंने कुछ थोड़ी युक्तियाँ लगाकर उस सेशन को कैसे तैसे रैप अप किया। उसके बाद भी मैं उससे नाराज़ नहीं थी, क्योंकि ठीक है ड्रामा है। तो मैंने देखा कि सब लोग उठ कर गए पर वो बैठी रही। उसके पास गई और मैंने उसको गले लगा लिया और मैंने उसको कहा कि आप ठीक हैं, तो मुझे कहती है कि मुझे रोने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से और मुझे कहती है मैं जब 6 साल की थी मेरा रेप हो गया था, और इसी कारण जब भी ये जो विमेन का इशू आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं जानती हूँ मैंने आपका सेशन ख़राब कर दिया, लेकिन ये मेरा इरादा नहीं था दीदी, आप मानिए मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसमें क्या है, सेशन तो जैसा होना था हुआ। फिर मैं उसके साथ 1 घंटा बैठी और बाद में उस बहन ने कोर्स भी किया और उसने बहुत हीलिंग भी की। तो बाबा हमें परख शक्ति देता है कि कभी कभी ऊपर से जो दिखता है वैसा नहीं होता। कभी कभी आपको लगेगा कि इस व्यक्ति का इरादा खराब है या ये आत्मा आपको तंग करना चाहती है, लेकिन वास्तव में वो खुद तंग है, तो उसको रहम की दृष्टि से देखना होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये परख शक्ति जिसमें तुम खुद को परख सको, सामने वाली आत्मा को परख सको, जब तुम अपने को आत्मा समझ सामने वाले को रहम की दृष्टि से देखते हो तो तुम्हारी परख शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, ओम शांति। क्वेश्चन आंसर थोड़े ले लेते हैं। दीदी ये ड्रामा है मीन्स खुद चल रहा है, मीन्स पहले भी हम यहाँ थे और नेक्स्ट 5000 साल बाद भी यही होंगे, कर्म का क्या रूल होता है दीदी? हाँ, तो कर्म जो है बाबा कहते हैं कि सत्युग त्रेता में नेचुरल अकर्म होता है। ठीक है, माना उस कर्म से दुख या सुख किसी को नहीं मिलता क्योंकि हम उस समय नेचुरली सोल कॉन्शियस होते हैं। द्वापर कलयुग में नेचुरल विकर्म होता है, तुम कितना भी चाहो तुम्हारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है तो विकार है, तो नेचुरल विकर्म होता है। और कर्म की चॉइस सिर्फ इस समय होती है जब हमारे पास ये चॉइस है कि हम सुकर्म करें या विकर्म करें, हम श्रीमत पर चलें या हम विकारों की मत पर चलें। और बाबा कहते जो तुम इस समय करते हो उसी से तुम्हारा फिर चक्र जो है वो निर्धारित होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस समय भी हम वही चूज़ करते हैं जितनी बुद्धि हमारे अंदर होती है, और वो बुद्धि भी हमें ड्रामा अनुसार मिली होती है, इसीलिए हम वही चूज़ करते हैं जो हमने 5000 वर्ष पहले चूज़ किया था। ठीक है, हाँ अच्छा दीदी, बॉडी याद दिला देते हैं जब पेन होता है, कैसे
हो ना फील हो। देखो बॉडी जो है वो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि आत्मा का सबसे ज़्यादा अटैचमेंट बॉडी से होता है। तो जब बॉडी को पेन हो रहा होता है तो आत्मिक स्थिति में रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए पहले हम छोटी बातों से शुरू करें, जैसे संबंधों में पेन या परिस्थितियों में पेन से ऊपर उठें, और धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, और मैं शरीर में पेन है पर मैं आत्मा शांति का दान शरीर को दे रही हूँ, या बाबा से शक्तियाँ लेकर शरीर के उस अंग को दे रही हूँ, लेकिन इसमें टाइम लगता है और प्रैक्टिस लगती है। ठीक है दीदी, हम भगवान को भोग कैसे लगाएं, भोग रख दें या अपने हाथों से ही खिलाएं, और कब, आरती से पहले या बाद में? आप जब भी लगा सकते हैं भोग, भोग का कोई ऐसा नियम नहीं है। दूसरी बात है, भगवान को खिलाएंगे कैसे, क्योंकि वो तो ज्योति बिंदु है ना। तो बाबा को आप भोग को रखकर बाबा को इमर्ज करें कि ज्योति बिंदु शिव बाबा सामने हैं और उनकी दृष्टि उस भोग पर पड़ रही है, उनका जो पवित्र किरणें हैं भोग पर पड़ रही है, और इस तरह से वो भोग स्वीकार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आज भोग लगाने की विधि का एक वीडियो भेजूंगी, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है दीदी, क्या वापस सुख धाम आना जरूरी है? क्या मोक्ष नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा रोल में ना आए तो उसका अस्तित्व ही क्या है ना। अच्छा दीदी, बॉडी छोड़ने ही क्यों है फिर जब दोबारा जन्म लेना है? क्योंकि दुख में है ना, तो ये शरीर छोड़कर नई सृष्टि में, सुख की सृष्टि में जाना है। जल्दी उठ तो जाते हैं, 2:00 PM तक नींद आती है फिर नॉर्मल हो जाता है, ऐसा क्यों? नींद आती है तो 15 मिनट सो लो, आधा घंटा सो लो, जैसे कोई ऑफिस में भी रहते हैं तो आप सर नीचे कर कर आधा घंटा सो सकते हैं। तो बाबा कहते वो ब्रेक ले लो, अगर नींद आती है, अगर आप प्रॉपरली शांतचित होकर सोएंगे तो 20 मिनट इज़ गुड इनफ, 20 मिनट में आपकी रिचार्जिंग हो जाएगी। ठीक है, मल्टी थिंकिंग कैसे सही कर सकते जब भी योग या जर्नल लिखें? मल्टी थिंकिंग माना एक समय पर बहुत सारी बातों का चिंतन कर रहे हैं आप तो उसमें क्या करना है, बार बार अपनी मन को ट्रेन करना है ना, क्योंकि कोई भी एक चिंतन जो है अच्छे से नहीं हो पाता। जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोचते तो आप अपने मन को कहें नहीं, पहले ये फिर ये फिर ये, और अपने अपने अंदर उसको सेग्रीगेट करें। ओके ओम शांति, चलिए योग करते हैं। कुछ घड़ियों के लिए अपने आप को शुभ संकल्पों से सींचे, मैं आत्मा बहुत दृढ़ता संपन्न हूँ, मैं शुभ श्रेष्ठ और दृढ़ संकल्प रचने वाली हूँ, मेरे संकल्पों में बहुत शक्ति है, मैं जो तय करती हूँ वो कर सकती हूँ, मेरा मन और बुद्धि
मेरे निर्देश पर चलते हैं। मैं अपने संस्कारों की भी मालिक हूँ। अपने आप को देखें, बिल्कुल दृढ़ शक्तिशाली अवस्था में। मेरी दिनचर्या और मेरी मनचर्या मेरे अनुशासन में है। मेरी इंद्रियों की मैं मालिक हूँ। मुझे सही गलत अच्छे बुरे की परख है। मेरी कोई कर्मेंद्री मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं बहुत शक्तिशाली और दृढ़ता संपन्न हूँ। कुछ देर इस शक्तिशाली अवस्था में बैठे ॐ शान्ति।